I have your attention, please? इस दीपावली से पहले मोदी सरकार देश के रेल यात्रियों को एक ऐसी सौगात देने जा रही है जिससे आपकी रेल यात्रा अब और आसान हो जाएगी। देश के फ्यूचर प्रूफिंग पर ध्यान दे रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सके। रेलवे 1 नवंबर से पूरे देश में UTS मोबाइल ऐप की शुरुआत कर रहा है। इसके लॉन्च होने के बाद अब जनरल टिकट खरीदने के लिए भी लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यात्री अपने मोबाइल पर UTS ऐप डाउनलोड कर ऑनलाइन ही अनारक्षित टिकट यानी जनरल टिकट खरीद पाएंगे। 25 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की यात्रा का टिकट खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकेगा। इस ऐप से प्लेटफॉर्म टिकट और मासिक पास भी खरीदे जा सकेंगे। वैसे तो मोदी सरकार ने आते ही ये योजना लागू कर दी थी। सबसे पहले मुंबई में इसका ट्रायल किया गया था। धीरे धीरे इसे 15 जोन में लागू किया जा चुका है, लेकिन 1 नवंबर से ये पूरे देश के लोगों के लिए उपलब्ध होगी। भारतीय रेल देश की परिवहन व्यवस्था की भी रफ्तार भरकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली रेल की अपनी खुद की तरक्की की रफ्तार सालों से धीमी रही, लेकिन बीते 4 सालों में मोदी सरकार के आने के बाद रेल की तस्वीर भी बदली है और रेल नेटवर्क की तकदीर भी।